शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, विदिशा से बड़ी खबर, जहां विधायक भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाए। विधायक भार्गव ने स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की थी। कोतवाली थाने में शशांक भार्गव पर FIR भी हुई है। मौके पर TI सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। शशांक भार्गव भी FIR कराने के लिए थाने पहुंचे हैं। सबको बता दें कि विदिशा में विधायक भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है। विधायक भार्गव ने स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की थी और उसके बाद तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कोतवाली थाने में शशांक भार्गव पर FIR दर्ज हुई है और मौके पर TI सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। तो शशांक भार्गव भी FIR कराने के लिए थाने पहुंचे, यानी कुल मिलाकर हंगामा लगातार जारी है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी। मनोज, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ के, आप भी तनाव बना हुआ है? निश्चित है, शहर में बड़ी तनाव की स्थिति है। जो घटना स्थल है अहमदपुर चौराहे जहाँ फैक्ट्री है शशांक भार्गव की, वहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। आज एक बड़ी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। विदिशा के विधायक शशांक भार्गव है, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अमर्यादित और एक अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके कारण भारी आक्रोश है। वजह साफ थी कि आज शशांक भार्गव के पार्टी कार्यकर्ताओं के संयुक्त रूप से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बाकायदा साइकिल मार्च निकाला था और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल वृद्धि को लेकर सबसे बड़ा कारण था। उसी बीच मीडिया से शशांक भार्गव ने चर्चा में स्मृति ईरानी को लेकर थोड़ी सी अभद्र व्यवहार किया, टिप्पणी की, जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता सारे आक्रोशित होकर भार्गव की फैक्ट्री पर पहुंचे, जहां उन्होंने पथराव तोड़फोड़ की, गाली गलौज भी दी है और निश्चित ही स्थिति तनावपूर्ण है और मार्केट भी लगभग विदिशा का बंद हो गया इसी दहशत को लेकर। जी राहुल, मनोज जानना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि TI वहां पर मौजूद है, दूसरे बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या क्या गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, TI पहुंच गए हैं, CSP पहुंच गए हैं, एडिशनल SP से लेकर तमाम पुलिस बल, भारी पुलिस बल विदिशा के दोनों थानों में तैनात है, घटनास्थल पर तैनात है। और अभी जो जानकारी मेरी शशांक भार्गव विधायक से बात हुई है तो वो भी FIR दर्ज कराने थाने पहुंच गए हैं। उनका साफ कहना है कि उनके लिए अश्लील बातें भी की गई हैं, गाली गलौज भी की गई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और निश्चित उन्हें भी कह रहे आघात पहुंचा है, इसी वो भी थाने में खड़े हैं FIR दर्ज कराने पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। जी राहुल, नुकसान की बात करें, फैक्ट्री में तोड़फोड़ अगर हुई है तो कितनी तोड़फोड़ हुई है, कितना नुकसान का आदेश है? जिस कक्ष में विधायक शशांक भार्गव बैठते हैं अपनी फैक्ट्री में और उस समय वो मौजूद थे जब पथराव हो रहा था, नीचे उनकी जो गाड़ियां थी उसके कांच फोड़े गए हैं और इसके साथ ही जो उनका कक्ष है उसको भी पत्थर मार के कांच फोड़े गए हैं और निश्चित है कि नीचे भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे और इसके बाद ही पुलिस भी थे जिसमें TI मौजूद थे और अन्य दूसरे पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद भी इस प्रकार का एक आक्रोश चलता रहा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और टिप्पणी को लेकर विदिशा के लिए राजनीति बहुत गर्मा गई है राहुल, और अगर देखें तो तनाव की स्थितियां हैं शहर का, मैंने जैसे कहा कि पूरा मार्केट। चलिए मनोज, आपको यहां पर रोकेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल घटनाक्रम, यहाँ पर लगातार पथराव भी किया है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर आरोप लगाए, फिलहाल क्या स्थिति? जी नमस्कार, देखिए ये जो विधायक हैं शशांक भार्गव जी, ये अपनी बदजुबानी के लिए फेमस हैं, ये किसी के साथ भी तमीज से बात नहीं करते, वो पहली बार नहीं है कि इनने ऐसी टिप्पणी करी हो। इसके पहले हमारे गृह मंत्री जी मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति, आदरणीय भाभी जी के प्रति ये इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी करने के आदि हैं ये, और आज भी इन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की वो मैं समझता हूँ कि, मैंने अपनी वाइट में भी कहा है कि अगर इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आदरणीय भाभी जी को या इनकी बहुओं को या इनके जो है बहन को अगर वो सुनाई जाए तो वो भी ये कहेंगे कि ये बहुत, इससे ज्यादा अश्लील टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती, ये इनके स्वभाव में है, ये व्यक्तिगत रूप से क्रिमिनल मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं और इसी प्रकार की ये सब करते रहते हैं। आज भी उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, हमने FIR की, FIR करने के बाद में कार्यकर्ता गए कि साहब ये जो है आप माफी मांगे इसके लिए, ऊपर से पथराव कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये इनके स्वभाव में, इनकी संस्कृति, देश की इनकी जो नेता है वो सोनिया गांधी है, उसके बाद महिलाओं के प्रति इस प्रकार का कदाचरण करना इनका बड़ा खेदजनक है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की संस्कृति को भी इन्होंने बहुत धूमिल कर दिया, क्योंकि उनकी खुद की नेता महिला है।
जी मुकेश जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है कि पथराव और तोड़फोड़ उन्हीं ने किया है, क्या ये सही है? देखिए, ये अगर उनके पास है तो प्रमाण देना, अगर कार्यकर्ता ये जाना है कि आप माफी मांगो तो आप ऊपर से पत्थर फेंक रहे, तो तोड़फोड़ कौन करेगा जी? भाई कार्यकर्ता ने कह रहा है माफी मांगो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता के खिलाफ अगर आप अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं तो कार्यकर्ता का अधिकार बनता है कि माफी मांगो, और हमने रिपोर्ट करने के बाद ये कहा कि माफी मांगो, माफी नहीं मांगी बल्कि पथराव कर रहे हैं और जो है फायरिंग कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है, इनका तो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये तो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो आप कह रहे हैं कि शशांक भार्गव की ओर से पहले पथराव किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो तोड़फोड़ की घटना हुई है? देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो सब में होता है, आप भी जानते हैं जी भाई, आप अगर कुछ करेंगे, आप गलत बोलेंगे तो हम रिपोर्ट करने गए, उसमें क्या है? अब वहां से लोग जो निकल रहे हैं, आप अगर पथराव कर रहे हो और उनको पत्थर लग गया, उनने किसी को मार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थोड़ी से, वो तो इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में लेबर वहां से जब निकलती है, आप ऊपर से पत्थर फेंक रहे हो, गुंडे आपके साथ में खड़े हुए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपके साथ रहते हैं, और वो पत्थर अगर फेंक रहे हो, किसी ने पत्थर वहां फेंक दिया, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी थोड़ी। लेकिन मुकेश जी, कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ पर नहीं लिया जा सकता था, अगर आप लोग ने FIR दर्ज करा दी तो ऐसा नहीं लगता आपको इंतजार करना चाहिए था कार्रवाई का? लोकतंत्र में हमारी बात कहने का हमको अधिकार है, और जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है, अगर उसका उसका जो ठीक नहीं होता व्यवहार, तो उसको माफी मांगने के लिए मजबूर करना एक लोकतांत्रिक तरीका है हमारा। हमने कानून के हिसाब से FIR दर्ज करी, और राजनीतिक कार्यकर्ता के धर्म निभाते हमने उससे कहा कि वो माफी मांगे। चलिए मुकेश जी, हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश टंडन अध्यक्ष नगरपालिका हमारे साथ चर्चा में बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। मनोज पांडे हमारे स्विगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, जिस तरीके से मुकेश जी से हम चर्चा कर रहे थे, फिलहाल वो कहीं ना कहीं ये बात मान तो रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन पर आरोप लग रहा है वो वाकई में इन्वॉल्व थे, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया की बात उन्होंने कहा, रिएक्शन हमने दिया। बिल्कुल राहुल, जैसा कि मुकेश टंडन नगरपालिका अध्यक्ष खुद इस बात को भी कह रहे हैं कि एक अश्लील टिप्पणी विधायक के द्वारा आई है, और महिलाओं के लिए ये ठीक नहीं कही जा सकती, चाहे केंद्रीय मंत्री हो एक सामान्य महिला हो, चाहे ये व्यवहार एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। उसका परिणाम है कि भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए, बाकायदा वक्त पहुंचे, वीडियो सबके सामने है, उसके बाद जांच का विषय रहेगा, पुलिस विभाग का इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यथार्थ हकीकत क्या है, लेकिन निश्चित है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता में तनाव की स्थिति, पुलिस बल भारी तैनात है। अब ये संयम की बरतने की बात है, IG 24 फिर भी कहता है अगर FIR दर्ज होने तमाम सब जानवर से है तो ये जांच का विषय है, लेकिन संयम बरतना चाहिए कि शहर में तनाव की स्थिति ना बन पाए। बिल्कुल, तनाव की स्थिति ना बने ये बेहद जरूरी है, लेकिन फिलहाल ये अपडेट जानना चाहेंगे मनोज आपसे कि विधायक शशांक भार्गव जो FIR दर्ज कराने गए, क्या उनके वो जो FIR दर्ज कराना चाहते हैं FIR दर्ज हुई है, और अगर हुई है तो कौन कौन से धाराएं उसमें लगी है? अभी तो फिलहाल शशांक भार्गव खिलाफ 294 5R(b) का मामला दर्ज किया है। अब शशांक भार्गव थाने में मौजूद है, अपना आवेदन दे रहे हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है। मनोज एक बार फिर यहाँ पर आपको रुकेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, चलिए मनोज हम एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कौन कौन सी धाराएं लग सकती है अगर शशांक भार्गव अगर FIR दर्ज कराते हैं तो? निश्चित ही शशांक भार्गव अगर FIR दर्ज कराते हैं तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, राजनगर फैक्ट्री पहुंचे हैं, तो निश्चित सुनित होंगे पार्टी के कार्यकर्ता कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से जनप्रतिनिधि शामिल है, ये विषय मुझे संगन भी नहीं कह सकते हैं, शशांक भार्गव नहीं कह सकते, चिन्हित की करेंगे पुलिस भी इस बात को कि आखिर पार्टी के कार्यकर्ता इसमें कौन कौन से शामिल हैं, और चिन्हित होने के बाद वीडियो के बाद बाकायदा उसकी सत्यता की जांच होगी, और उसके बाद लगता है कि FIR अगर शशांक भार्गव कराएंगे और अगर उस वीडियो के आधार पर ही तो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिनाई का दौर हो सकता है। ये पुलिस का कुल मिला के पूरा मामला है, मगर अभी ये जानकारी नहीं आई कि FIR दर्ज भी की नहीं हुई, मगर थाने में मौजूद है, वो चर्चा चल रही है। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार विदिशा में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।